नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भूस्खलन के चलते भय का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक चमोली जिले में काफी समय से भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं कई बार अधिकारियों की ओर से मौके का जायजा लिया जा चुका है, लेकिन भूस्खलन के चलते लोग भयभीत हैं। दरअसल पूरा मामला चमोली जिले का है, जहां पैनगढ़ गांव के नारायण बगड़ में बीती 9 सितंबर से गांव के पीछे का पहाड़ थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हुआ था, लेकिन अब इस पहाड़ पर भूस्खलन काफी तेजी से होने लगा है, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा भयभीत हैं। इस दौरान पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के डर से शनिवार सुबह से गाँव के लोग पलायन कर रहे हैं और काफी लोगों ने अब तक भूस्खलन के डर से अपना घर छोड़ दिया है। वहीं मामले में गांव वालों का कहना है कि कई बार मामले की शिकायत उन्होंने अधिकारियों से भी की थी, जिसके बाद तहसीलदार और पटवारी मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, लेकिन पहाड़ पर लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते वो लोग भयभीत हैं, जिस कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में अब ग्रामीण अपने परिवार के साथ अपने घरों को छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं। भूस्खलन हो रहा है और जिसमें तहसीलदार साहब, सरपंच साहब, कानून साहब आए थे तो देख लिया, मुआयना कर लिया, कह रहे कि अभी आप खुद बचाव करें और कल जो है कि हम आपको टेंट वगैरह, खाना सामग्री वगैरह सारा भेज देंगे। अब ये तो प्रशासन ने हमारे सामने कहा, लेकिन अब कल की बात कर ली है। ऊपर खतरा मंडरा चुका है, जो है कि लैंड साइड ऊपर से कम से कम 500 मीटर की दूरी से आ रहा है मलबा। अभी वर्तमान में 30 परिवारों के ऊपर भारी खतरा मंडरा चुका है। मकान क्षतिग्रस्त कुछ हो चुकी है, कुछ होने की कगार में है और खेत सारे दब चुके हैं। लोग इधर उधर सुरक्षित जगहों पे अपना आश्रय दिए हुए हैं। कानून साहब, पटवारी और तहसीलदार भी आए थे, जिस कारण कि उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि कल तक आपकी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। पटवारी जी कल में आए थे, परसों दो चार दिन पहले भी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। चट्टान टूट रही, बहुत भयंकर टूट रहे, गाँव कभी भी दब सकता है और लोगों ने अपने गाय बच्चे मवेशी भाग कर दिए इधर उधर। पटवारी जी ने स्कूल में तो लोगों को शिफ्ट करने का आदेश दिए हैं और जुनेल स्कूल, प्राइवेट विद्यालय और अन्य प्राइवेट मकानों में, और उन्होंने कहा कल तक टेंट और खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर दी जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।